अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू कार्स ब्लडलाइन यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रहमान और आज की इस वीडियो में होंडा ट्यूसों का रिव्यू लेके आया हूं जो कि ऑल व्हील ड्राइव है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, आई होप यू लाइक इट। इस गाड़ी की अगर फ्रंट लुक की बात की जाए तो काफ़ी इंप्रेसिव लुक है। फ्रंट पे क्रोम का काफ़ी इस्तेमाल किया गया और पियानो ब्लैक है। काफ़ी खूबसूरत इसकी ग्रिल है। अगर इसकी हेडलाइट्स की बात की जाए तो ऊपर आपको डे टाइम रनिंग लाइट मिल जाती है, ऊपर कॉर्नरिंग लाइट भी मिल जाती है और इसमें आपको LED हेडलाइट्स दिए गए और नीचे फॉग लैंप हैलोजन में दिया गया, नीचे DLL भी दिया गया और इसमें पियानो ब्लैक का काफ़ी यूज़ किया गया। गाड़ी की फ्रंट से लुक काफ़ी खूबसूरत सी है। अगर गाड़ी की बैक से लुक की बात की जाए तो काफ़ी खूबसूरत सी है। आपको LED लाइट्स दी गई हैं, नीचे रिफ्लेक्टर्स दिए गए और बैक पे वाइपर भी दिया गया और ऊपर स्पॉइलर टाइप शेप में हाई माउंटेड ब्रेक लाइट भी दी गई है। शार्फिन एंटीना भी दिया गया और रूफ रिल्स भी आपको सिल्वर के टच में मिल जाती हैं और गाड़ी की साइड पर आपको काफ़ी प्रोनाउंस लाइनिंग देखने को मिल जाती है जो कि ओवरऑल काफ़ी खूबसूरत लुक प्रोवाइड कर रही है गाड़ी को। और नीचे आपको प्लास्टिक की बॉडी किट का यूज़ मिल जाता है जैसे कि आजकल हर एक क्रॉस ओवर SUV में। और 18 इंचज के अलॉय व्हील दिए गए और कॉर्गिन टायर है गाड़ी में। गाड़ी साइड से कुछ इस तरह की लुक प्रोवाइड करती है। गाड़ी के साइड मिरर्स में आपको टर्न सिग्नल्स की ऑप्शन भी मिल जाती है। गाड़ी में आपको क्रोम के डोर हैंडल्स मिल जाते हैं विद कीलेस एंट्री। अगर बूट स्पेस की बात की जाए तो आई थिंक सो किया स्पोर्टी से ज़्यादा है और बीच में स्प्लिटर भी दिया गया और स्पेयर व्हील की ऑप्शन मिल जाती है और जैक वगैरह भी दिया गया। काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसमें और आपको ऑटोमेटिक क्लोज का ऑप्शन भी मिल जाता है। जैसे आपने बटन प्रेस करना है ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी और इसके रिमोट में भी आपको ऑप्शन मिल जाती है बूट स्पेस अनलॉक करने की। गाड़ी के इंटीरियर की तरफ चलते हैं। गाड़ी के इंटीरियर में आपको टू टोन कलर का यूज़ मिल जाता है और आपको सिल्वर कलर के टच में डोर हैंडल मिल जाते हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत है। और नीचे आपको विंडोज़ के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, साइड मिरर्स के भी कंट्रोल इसी साइड पर मिल जाते हैं आपको। और इस साइड पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल्स, हेडलाइट एडजस्टमेंट, बूट स्पेस अनलॉक की ऑप्शन मिल जाती है। इधर आपको क्रूज कंट्रोल की ऑप्शन मिल जाती है, इधर आपको मीडिया कंट्रोल्स की ऑप्शन मिल जाती है। आपको मीटर काफ़ी खूबसूरत सा मिल जाता है, आई थिंक किया स्पोर्टी से काफ़ी बेटर है। बीच में आपको TFT भी दी गई है 2x4 इंचज़ की। और इधर आपको AC इवेंट्स मिल जाते हैं, डिजिटल ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है और ऊपर आपको हैजर्ड का ऑप्शन मिल जाता है और पियानो ब्लैक का साइड पे यूज़ किया गया। और AC ग्रिल काफ़ी खूबसूरत सी है, साइड पे सिल्वर कलर की क्लेडिंग देखने को मिल जाती है और आपको एंड्रॉयड पैनल दिया गया है गाड़ी में। इसमें आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाती है एंड्रॉयड मोबाइल की तरह। पैसिव रिस्पांस है इसका, बकाया आपको बीच में लेदर का यूज़ मिल जाता है। आप देख सकते हैं बीच में आपको लेदर की पट्टी मिल जाती है और साइड्स पर आपको सिल्वर कलर का टच मिल जाता है और आपको कप होल्डर की ऑप्शन भी मिल जाती है गाड़ी में और आपको ऑटो डिमिंग मिरर मिल जाता है गाड़ी में और ऊपर आपको सनग्लासेस होल्डर भी मिल जाता है। आपको चार्जिंग सॉकेट्स की ऑप्शन भी मिल जाती है, आपको ऑक्स की ऑप्शन भी मिल जाती है, 12 वोल्ट का चार्जर भी मिल जाता है और नीचे आपको कप होल्डर भी मिल जाते हैं और आपको नीचे इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक की ऑप्शन मिल जाती है और ऑटो होल्ड का बटन मिल जाता है, ड्राइव मोड का बटन मिल जाता है और भी डिफरेंट ऑप्शन मिल जाती है। ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन गियर नॉब काफ़ी स्टाइलिश है, आप देख सकते हैं। और इधर भी आपको काफ़ी स्पेस मिल जाती है। और कंसोल की बात की जाए तो कंसोल में भी आपको काफ़ी स्पेस दी गई है, काफ़ी कुछ रख सकते हैं आप बीच में। और इधर आपको बूस्ट स्टार्ट का बटन दिया गया इस साइड पे और इधर आपको सीट से एडजस्टमेंट की ऑप्शन मिल जाती है। मैंने ये अगली सीट फुल पीछे कर ली है, अब पीछे जाके देखता हूँ कितना को लेग रूम है। गाड़ी की पिछली सीट्स पे भी लेग रूम और हेड रूम काफ़ी ज़्यादा है, लेग रूम भी काफ़ी ज़्यादा है और बैक पे आपको AC इवेंट्स की ऑप्शन मिल जाती है, चार्जिंग सॉकेट भी दी गई। गाड़ी में आपको 2000cc इंजन दिया गया और इसमें दो ऑप्शंस आती हैं, एक ऑल व्हील ड्राइव और जबकि दूसरा टू व्हील ड्राइव। ये गाड़ी तकरीबन आपको 9 पर लीटर की एवरेज देती है जो कि मुनासिब है। अगर आप ये गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।